विधानसभा का मॉनसून सत्र लगातार जारी है और सत्र है तो हंगामेदार तो होना लाजमी है। ये तय है कि हंगामा तो होगा ही, लेकिन इन हंगामों के बीच एक अनोखा विरोध प्रदर्शन भी आज देखने को मिला। तो कैसा रहा विरोध प्रदर्शन, कैसा रहा यह अनोखा, हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि अनोखा था विरोध प्रदर्शन और एक अलग स्टाइल का देखने को मिला, आखिर किया किसने है, ये सब विस्तार न्यूज की रिपोर्ट पे देख लीजिए, विस्तार से समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज इसका चौथा दिन रहा, जहां बेहद ही अजीबोगरीब रंग देखने को मिले। कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ अजीबोगरीब तरीके से अपना विरोध जता रही है। टिमरेनी के कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कंधे पर बोरी लेकर ही सांसद पहुंच गए। बोरी में लिखा था मूंग की बोरी। अभिजीत शाह कंधे पर बोरी रखकर जब सदन पहुंचे तो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की, सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि भाजपा के फैसले किसान विरोध है और उनसे एक नया नियम पारित किया है जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये है असली चेहरा, ये बीजेपी सरकार का, मोहन सरकार का। आज किसानों की फसल को ये अंदर ले जाने नहीं दे रहे, बल्कि मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप बोरी चेक कर लीजिए, इसके ना मूंग की फसल है। एक तरफ पिछले साल तक 16 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से मूंग खरीदी की जाती थी, इस बार उसको आधा कर दिया गया है, उसको 8 क्विंटल कर दिया गया है। और जब आज हम आवाज उठा रहे हैं तो आवाज को दबाने का प्रयास भी किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेश का बजट 2024-25 जारी कर दिया गया है। 4 जून गुरुवार को मोहन यादव सरकार द्वारा प्रस्तुत किए बजट पर विधानसभा सत्र में बजट पर चर्चा हुई। इस सत्र का ये चौथा दिन रहा। 3 जुलाई को बजट पेश होने के बाद ये पहली बजट चर्चा रही और इस बीच टिमरेनी के कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह मूंग की बोरी लेकर सदन पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।